मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन जइयो राधा रानी के चरण मत जाइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्याम प्यारी के चरण राधा नाम दे सारे सब जीवन
हरे कृष्ण हरे। हाँ ते कहो आ सको ठीक लास्ट में बोलना ठीक है। ओम अज्ञानित मीराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। आजानुलंबितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ दिगवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा, कहते श्री अनंत संहिता में वर्णन है। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न किया था? कि आप ये गोर गोर नाम कौन है, कौन है जो आप नाम ले रहे हो? हाँ, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, बोले आपका मुंह से तो भगवान के अनंत नाम का हमने सुना, कृष्ण गोविंद दामोदर कन्हैया अनंत नाम को सुना, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ आप भी कभी कभी सचिनंदन श्री गौर हरि का नाम लेते हो, श्री निमाई निमाई विश्वंभर हैं गौर हरि, ये गौर हरि चैतन्य कौन है? आप कृपा करके हमें ये बताओ।
और इसको सुनते ही श्री शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए और उन्होंने पार्वती को उन्होंने आलिंगन किया। बोले पार्वती, इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न की है, चूंकि तुमने राधा रानी के तुम प्रकाश हो, इसलिए तुमने इतने अच्छी बात की। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कथा उन्होंने सुनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग नाम क्यों है? उनका एक नाम गौरव हरि। गौरव हरि क्यों नाम पड़ा? क्योंकि महाप्रभु गौरिया राधानी के कांति लेके अभिभूत हुए। हाँ बोलो, गौरव हरि नाम क्यों पड़ा? बोलो, इसलिए गौरव हरि नाम पड़ा। हाँ, इसलिए ध्यान देकर सुननी चाहिए। इसलिए गौरी मतलब श्रीमती राधा रानी, गौरी हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिलकर के श्री गौरव हरि। इनका एक नाम उन्होंने दिया विश्वम्भर। विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा? कौन बोलेगा हाथ उठा? बोलो विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा? दही तो बोल सकते हो, विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा? हाँ, इसलिए ध्यान से सुननी चाहिए, लिख कर रखनी चाहिए। विश्वम्भर नाम क्यों पड़ा? बोलो, और कौन बोलेगा? हाँ, एक अर्थ। और एक अर्थ क्या? हाँ, इसलिए ये जन्म होते ही क्या हुआ, पूरा ये पृथ्वी सस्य श्यामल, पेड़ पौधा लता पता में हरा भरा हो गया, सारे फूल फलों से पूरा ये पृथ्वी भर गई है, किसी चीज का अन्न की कमी नहीं रही। इसलिए इनका जो विश्व को भरण करेंगे, खाना पीना देकर के भरण करेंगे, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो विश्व को प्रभु का प्रेम को द्वारा, भगवान की भक्ति को द्वारा विश्व को जो भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम विश्वम्भर। दुनिया में जो हरि भक्ति को जगत में प्रचार करेंगे। इनका एक नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा, कोई बोल सकते हो? कौन इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा? हाँ बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा? इनकी सन्यासी का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। इनकी श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा है? नहीं ना, इसलिए उनका नाम जब चैतन्य, इसका मतलब ये है। लेकिन इनका सन्यासी का नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा। हाँ, इसलिए जिन्होंने कृष्ण रूपी चेतनता को, जिन्होंने विश्व को प्रदान किया है, मतलब जिन्होंने जगत में ये कृष्ण भक्ति है, जगत में जो ये कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता का जो, मतलब जगत में जिन्होंने ये कृष्ण भक्ति को जगत में जो प्रचार और प्रसार किया है, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। और इनका एक नाम निमाई। हाँ, एक है नीम का पेड़ को नीचे जन्म हुए, और क्या क्या बोल? देहांत हो गया था, इसलिए 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 इनका नाम निमाई। नीम, एक तो नीम वृक्ष को नीचे जन्म हुए, दूसरा कारण है कहते कोई बढ़िया नाम रखते हैं ना, क्योंकि उनको पहले उनको आठ कन्या की शरीर छूट गया है, बोले ऐसे कड़ुआ नाम रख लो जैसे जम उनको छुए नहीं है, इसलिए इनकी कड़ुआ नाम, इसलिए निमाई नाम, इनको निमाई नाम रख दिया। और एक नाम इनका रख दिया चैतन्य। चैतन्य नाम क्यों इनका रखा, बोलो कौन बोलेगा? इनका नाम चैतन्य रखा, किस लिए चैतन्य रखा? हाँ, इसलिए विश्व सृष्टि से पहले वो एक चेतनता पूर्वक एक ही जगत में थे, वो एक ही चेतनता पूर्वक जगत में थे हैं। जब उन्होंने इच्छा की ये सृष्टि होनी चाहिए, मैं लीला करना चाहता हूँ, इसलिए एक से उन्होंने क्या हुए, उन्होंने श्री दो हुए। कौन हुए? श्री राधा और कृष्ण हुए। इसलिए वेद कहता है एक अपि बहुश्याम,
वो एक थे, एक मेव अद्वितीय, वेद कहते वो एक ही है, वो अद्वितीय द्वितीय रहे तो वो एक ही है, इसलिए एक अपि बहुश्याम, एक तथे उससे उन्होंने बहु हुए। इसलिए कल हम लोग ने सब कथाओं को श्रवण कर रहे थे, जब उन्होंने बोले चैतन्य महाप्रभु ये हैं, जब उन्होंने ये बात को बोले तब श्री माता पार्वती फिर शंकर जी से फिर प्रश्न करते हैं, आप बताओ ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ये कौन हैं, हैं ये जगत में अवतीर्ण क्यों हुए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का क्या महिमा है। तो महाप्रभु की जब महिमा की बात बताए और इनको भक्ति कैसे की जाती है, तो उन्होंने श्री शंकर जी बोले पार्वती बोले एक समय जो अनंत देव वो महाविष्णु के पास में गए, महाविष्णु के पास में जाकर के बोले बोले आपका आशीर्वाद से हमने सारे धाम दर्शन किया है, सब धाम को मैं दर्शन किया हैं, द्वारका गया, मथुरा गया हैं, अयोध्या गया, वैकुंठ गया, लेकिन अभी तक एक धाम में मैं नहीं जा पाया। बोले कौन सा धाम है, कहते से वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम में अभी तक वृंदावन धाम मेरा दर्शन नहीं हुआ। जो ये बात को बताए तब श्री अनंत श्री महाविष्णु कहते हैं बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं भी नहीं जा पाया अभी तक। ये कौन कह रहे, ये महाविष्णु कह रहे हैं, कहते तुम्हारी बात छोड़ दो अभी तक मैं ही नहीं जा पाया। तब एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कुत्ते का पूछ पकड़ करके हम समुद्र पार कर लेंगे, संभव है? कुत्ते का पूछ पकड़ के कोई समुद्र पार हो सकता है? नहीं हो सकते हैं। कहते उसी तरह ये जो भगवान का जो वृंदावन धाम है ना, वो साधारण भूमि नहीं है। कहते स्वयं जो कारण तो गसाई, गर्भ तो गसाई है, खिराब दिशाई, मैं स्वयं अभी तक भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं। आप लोग कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाओ। तो देखो यहाँ पर भगवान कहते मैं भी नहीं जा भाई, आप भी चले गए फिर आप लोग कैसे चले गए हो, ये लोग कहते हैं ये लोग भी नहीं जा पाए हैं, लेकिन हम लोग कैसे गए। लेकिन जो वास्तव जो वृंदावन है ना, जो दिव्य वृंदावन है, हम लोगों को दर्शन अभी नहीं हुआ, जिसको कहते गुणातीतम परम ब्रह्मम है, जो वृंदावन धाम त्रिगुण से अतीत है, त्रिगुण से अतीत से वृंदावन धाम है। इसलिए लेकिन हमने जो वृंदावन दर्शन कर रहे हैं ये वास्तव वृंदावन दर्शन नहीं है, क्योंकि हमारा आंखों के सामने एक माया की एक पर्दा डाला हुआ है, ये माया को अंदर में हम विद्यमान हैं, माया। इसलिए फिर हम लोग जो दर्शन करते हैं कहते ये दृश्यमान वृंदावन को देख रहे हैं, जो दिव्य वृंदावन है वो दिव्य वृंदावन कब दर्शन होगा। सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृपा करी माया जाल उठाए जखन, जब भजन करते 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 जब जब श्री माया देवी हैं, जब जोग माया की कृपा होगा, जब माया जाल हमारा आंखों के सामने हट जाएगी, तब देखे दिव्य धाम चिन्मय विशाल, तभी ये दिव्य वृंदावन का दर्शन हमें दर्शन मिलेगा हैं। एक समय जब प्रभुपाद थे, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तब उन्होंने कलकत्ता से नवद्वीप परिक्रमा करने के लिए, ये वृंदावन परिक्रमा करने के लिए आए, तब उन्होंने वृंदावन की बड़ी धाम की महिमा सुने थे, वृंदावन चिन्मय धाम है, वृक्ष कल्प वृक्ष भूमि चिंतामणि, वहाँ पानी नहीं सब अमृत है, वहाँ कथा नहीं, जो कथा बोलते हैं लगता है बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं, जो चलता है वो चलना नहीं लगता है बड़ा सुंदर नाच रहा है, हैं दिव्य वृंदावन धाम की महिमा, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष उन्होंने सब सुन कर रखा था, जहाँ पर गोपी ब्रजवासी निवास करते हैं हृदय में बड़ी उत्कंठा थी, वृंदावन वृंदावन जाएंगे, बाबा रे इतना वृंदावन धाम की महिमा। जब उन्होंने मथुरा कलकत्ता से आए, जब मथुरा स्टेशन में उतरे, अभी उनको लघु संख्या पेशाब लगी, अभी इधर उधर भाग रहे पेशाब करने के लिए, तो प्रभुपाद ने बोले क्या क्या करना, बोले गुरुदेव पेशाब करना चाहता हूँ, बोले करो ना जाकर जा, बोले कैसे करूँ, ये वृंदावन धाम हमने सुना दिव्य अपराकृत चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है,
सब भूमि चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष सब दिव्य धाम पेशाब कैसे करूंगा यहाँ पर। तब प्रभुपाद कहते देखो जब हम सही वृंदावन में जाए ना वहाँ कोई पेशाब नहीं करता है, कोई पायखाना नहीं करता है, वहाँ पर वहाँ भूख नहीं लगती है, वहाँ ठंडा नहीं, गर्मी नहीं। लेकिन अभी हम जिस वृंदावन में हैं ये दृश्यमान वृंदावन है, ये हमारी जड़ नेत्र के द्वारा इसको हम दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ जाओगे ना तुमको ऐसे लघु संख्या लगेगी नहीं है, ये लघु संख्या तुमको लगेगी नहीं, इसलिए ये प्राकृतिक वृंदावन हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए जाओ कोई बात नहीं, जाओ लघु संख्या करके आओ। इसलिए ये भगवान श्री महाविष्णु कह रहे हैं ये जो दिव्य जो वृंदावन धाम ये साधारण भूमि नहीं, अप्राकृत दिव्य से वृंदावन धाम। कहते वहां पर कोई पहाड़ नहीं। हम लोग नंदगांव बरसाना गए ना, वो नंदगांव कौन था, ये स्वयं शंकर रूप धारण किए। बरसाना गए थे, बरसाना कौन है, ये ब्रह्मा स्वयं बरसाना बने। हम गए थे ना सांकेरिखोर, इस तरफ में भगवान विष्णु, दूसरे तरफ में ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु पर्वत बन करके पड़े रहे। जो गिरिराज गोवर्धन गए हो, गए कि नहीं गिरिराज, गिरिराज नहीं वो भगवान कृष्ण और विष्णु हैं, और पर्वत नहीं साक्षात कृष्ण और विष्णु ये पर्वत रूप में विद्यमान, और वहाँ पर सखीगिरी पर्वत है, हैं? इसलिए अष्ट जो सखी हैं ललिता विशाखा चंपकलता तुंगविद्या चित्रा सुचित्रा ये सब के सब एक एक पर्वत रूप धारण किए हैं। अब लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जो ब्रज में गए हो, इसलिए वहाँ पर जो पर्वत है वो नर नारायण पर्वत है, वहाँ लक्ष्मण है शिला, वहाँ पर लक्ष्मण झूला है, देव सरोवर है, इसलिए वो जो पर्वत है वो पर्वत नहीं, ये ठाकुर स्वयं पर्वत धारण किए। कहते राधा कुंड श्याम कुंड, ये कौन है, ये कुंड नहीं, जो राधा कुंड ये राधा रानी, और कृष्ण कुंड ये कृष्ण। मानसी गंगा गए कि नहीं, मानसी गंगा में ये मानसी गंगा कौन है, कृष्ण मन से जो गंगा को प्रकट किया। कहते प्रेम सरोवर कौन है, कहते राधा कृष्ण दोनों प्रेम में द्रवीभूत होकर के ये प्रेम सरोवर रूप धारण किए है। ये जो मान सरोवर, कौन कौन मान सरोवर गए हो, राधा रानी जहाँ मान मान में रो रो करके अपना आंखों से ही सरोवर बना दिया, आंखों का आंसुओं से पूरा एक सरोवर बना हुआ है, इतने राधा रानी कृष्ण विरह में गिर गई। कौन कौन गए हो, कौन कौन गए, गए हो सबके सब। इसलिए वहां पर ये कौन है, कहते ये मान सरोवर है, हैं? इसलिए राधा रानी की आंखों का आंसू है वो। इसलिए पावन सरोवर, पावन सरोवर कौन है, कहते ये जितने सारे नदियां वहां पर है। विमला कुंड कौन गए, कहते ये स्वयं कृष्ण की शक्ति विमला ने ही ये कुंड रूप धारण की, इसलिए ब्रज में जितने कुंड, ये यमुना महारानी कौन है, ये विशाखा। बोले देखो वहां पर देखने के लिए तो साधारण लगता है पेड़ पौधा पर्वत नहीं, नहीं ये ब्रह्मा शंकर सब विष्णु सब प्रेम को द्वारा ये सारे बना हुआ श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की, जोर से बोला, बोले श्री वृंदावन धाम की, ये वृंदावन धाम है। इसलिए कहते ये वृंदावन धाम की इतने महिमा, वहां पर उद्धव जी स्वयं वृंदावन में गुल्म लता औषधि वृक्ष बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जी जहाँ पर पत्थर रूप में ब्रज के बाहर में पत्थर रूप में जन्म लेना चाहते हैं, शंकर जी गोपीश्वर महादेव को देखे हो, कौन कौन देखे हो गोपीश्वर महादेव, देखे हो ना, ये शंकर जी गोपी रूप धारण करके, शंकर तो आए गोपी रूप धारण किया लेकिन दर्शन नहीं कर पाए ठाकुर का लीला, उनको धाम की परिक्रमा करे, उनका लीला स्थलियों में जाए, वहां पर बैठे, वहां का धूल में लोट पोट खाए, और महाप्रभु का नाम को लेकर कोई रोए है, महाप्रभु का धाम को अगर कोई रोए ना बस, कहते उसका हृदय में, कहते महाप्रभु का धाम में परिक्रमा करते ही उसका अपने आप ब्रज धाम में उसको प्रवेश हो जाएगा। एक केवल एक उपाय से नवद्वीप धाम में जाकर परिक्रमा लगाओ और उनका भक्ति उनको मिल जाएगा अपने आप। लेकिन दर्शन कैसे करेंगे, बोले अकेले अकेले नहीं है, जाकर के पेड़ पौधा लता पता देख करके आ जाएंगे, इसलिए नहीं, वैष्णव के अनुगत्य में, संतों की अनुगत्य में। इसलिए
श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर आमार्ज सब स्थाने करल भ्रमण राजे, गौर आमार्ज सब स्थाने करल भ्रमण राजे, से सब स्थान हरि बावे प्रणय बात सांदे, से सब स्थान हरि बावे प्रणय बात सांदे, का मतलब है महाप्रभु ने जहां जहां पर उन्होंने लीला की वैष्णव के अनुगत्य में वहां पर जाए, वहां पर बैठे, वहां की कथा सुने और वहां पर लौटपोट उठाए, वहां की लौटपोट उठाए, क्योंकि वहां का जो धूला है, जो धूल है, वहां पर उन्होंने लीला की है, वो लीला युक्त तो धूल वहां पड़ा पड़ा हुआ, वो धूल जब हमारे शरीर में लगेगा, हमारे हृदय के सारे कलमस पाप हमारी खत्म हो जाएगी और हृदय में महाप्रभु का प्रेम प्रकट होगा। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए भक्तों की अनुगत्य में नवद्वीप कौन कौन गए हो, नवद्वीप कौन कौन गए, बाबा कौन कौन जाना चाहते हो, हाथ उठा, कौन कौन जाना चाहते, हाथ उठा, सब जाना चाहते हो, बस पहुंच गए नवद्वीप। देखो देखो भक्ति में यही एक विशेष चीज है, देखो भक्ति में यही एक विशेष चीज है, अगर मानस के रूप में भी इच्छा की हम नवद्वीप धाम में जाना चाहते हैं, भगवान उनको फल दे देते हैं, भक्ति में ही केवल ये चीज है। महापुरुष तुम्हारी प्रार्थना सुन लिए, इसलिए भागवत में बताए जो केवल सुनने की इच्छा करते हैं उसको फल मिल जाती है, इतने भक्ति में ये फल, महापुरुष सुन लिए जाना चाहते हैं एक दिन जरूर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर ही देंगे ठाकुर जी। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की जय। इसलिए उन्होंने बोले श्री श्री जो नवद्वीप धाम है अगर वहां पर कोई जाए परिक्रमा करके उसके हृदय में वृंदावन धाम अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन धाम में महाप्रभु का भक्ति करते ही वृंदावन धाम की प्राप्ति दर्शन उसकी अपने आप हो जाएगा, महाप्रभु का कृपा से हो जाएगा। फिर पार्वती फिर प्रश्न करती है, बोले ये नवद्वीप धाम कौन है, ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ, अब थोड़ा नवद्वीप धाम को विषय पर हमें कुछ सुनाओ। तब इनकी प्रश्न सुन करके फिर शंकर जी कहते हैं, हैं शंकर जी क्या बोले, बोले किस लिए ये नवद्वीप धाम, किस लिए क्यों, किसने ये धाम को प्रकट किया, सब लिख कर जब नवद्वीप धाम जाओगे ना ये सब कथा को तुम लोग सुना सकते हो, इसलिए लिख करके सब रख दो। आप काफी बहन कहाँ गया तुम्हारी, हैं थोड़ा सुनने के लिए केवल आए हो, हाँ इसलिए ये नवद्वीप धाम। तब श्री शंकर जी यहाँ दो संवाद तीन संवाद है, शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं, फिर महाविष्णु अनंत देव कथा सुना रहे हैं, और एक ऋषि और एक ऋषि को सुनाते, यहाँ पर तीन संवाद है। इसलिए बोले एक समय श्री राधा रानी देखती हैं, ठीक एक समय होने पर कृष्ण बिना बोले कहीं छुप करके चले जाते हैं। देखो ये जो जो पुरुष लोगों का मन है ना, स्त्री अपने आप समझ जाती हैं, लेकिन स्त्रियों का मन को पुरुषों को समझना बड़ा कठिन है, समझ रहे हो, कहते स्त्रियों का जो मन है पुरुष लोगों को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जो पुरुष का मन स्त्री अपने आप समझ जाती है, हाँ भगवान उनको ऐसे कृपा दी है। इसलिए जब कृष्ण वहां से फिर वापस आते हैं, फिर राधा रानी देखती है इनका जो मन है थोड़ा बेमन है, मन थोड़ा नहीं है, इसलिए राधा रानी को शक हो गया अगर कोई कृष्ण जाए बोल करके जाए मैं वहां जा रहा हूँ ये काम करके चला आऊंगा, लेकिन ये छुप करके फिर क्यों जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं इनका मन थोड़ी सी चंचल देखता है, राधा रानी की डाउट हो गया ये जरूर कुछ दाल में काला है, हैं दाल में कुछ काला है, ये जरूर और किसको साथ प्रेम करते हैं, तभी तो छुप कर जाते हैं, बोल कर क्यों नहीं जाते हैं।
राधा जी के मन में जब ये डाउट हो गई, इतने में राधा रानी सीआईडी लगा दी एक सखी को, बोले तुम देखना तो ये कृष्ण कहाँ जाते हैं और बिना बोले क्यों चले जाते हैं। सचमुच से एक दिन कृष्ण को वो सखी ने फॉलो किया, ये कहाँ जाते हैं। उन्होंने फॉलो करते करते धीरे 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 सचमुच से राधा रानी जो सच कर रहे थे ना, वो सच निकली। जैसे वृंदावन धाम है और ये एक सुंदर नवद्वीप धाम है, जैसे वृंदावन में जैसे यमुना नदी बह रही है, वहाँ पर भी श्री गंगा नदी बह रही है, बड़ी सुंदर गंगा नदी। जैसे वृंदावन में कदम्ब, कमाल, जूई, पेली, तम सुंदर सुंदर फूल फल से लदे हुए बड़ा सुंदर वृंदावन धाम, ऐसे ही वहाँ पर भी। अब नवद्वीप धाम गए कि नहीं, कौन कौन गए, सब गए हो। वहाँ पर नारियल का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है ना, वहाँ पर है। पूरा चारों तरफ में देखोगे पेड़ पौधा हरा भरा, उधर भी ऐसे फल फूल से भरा पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर कोयल कुहू कुहू करती है, देखा वहाँ पर भी कोयल पंचम सुर से कुहू कुहू करती है, मयूर के क्या करती है, बड़े सुंदर मनोरम स्थान। और वहाँ पर बड़ा दिव्य धाम है, वहाँ पर एक सखी है जिसका नाम बिरजा सखी, वो बड़ी सुंदरी है, बड़ी प्यारी बिरजा सखी। कृष्ण जा करके एकांत में उसको साथ में कृष्णा मिलते हैं। जब ये सखी ने ये बात को देख लिया तो उसने एकदम सीधा राधा जी को पास में आई, बोले राधे तुम्हारे मन में जो शंका थी ना सही निकली। जैसे वृंदावन धाम जैसे एक अपूर्व धाम हमने देखा, और वहाँ पर एक सुंदर सखी जिसका नाम थी बिरजा, कृष्ण उसी सखी से ही वहाँ पर मिलते हैं। बस सुनते ही राधा रानी तो पीछा की, राधा रानी भी आ गई। जब राधा रानी वहाँ पर आ पहुँची, वो जो बिरजा सखी कृष्ण से मिल जाए तो देखते ही वो बिरजा सखी एकदम नदी बन गई, नदी बन करके पानी बन करके वो बहने लग गई। और इधर जो कृष्ण जब तक राधा रानी आ गई, और कृष्ण भी डर से कृष्ण भी वहाँ कहीं गायब हो गए। जब गायब हो गए इतने में श्री राधा रानी ने वहाँ पर सुंदर उन्होंने मीठी मीठी कृष्ण उन्होंने सुंदर बंसरी बजाई। जब राधा रानी बंसी ध्वनि की, वो बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण रह नहीं सके, फिर कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए। जब कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए, प्रकट होते ही वहाँ पर देखते 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 जो राधा कृष्ण थे हैं, जितने राधा कृष्ण थे सबके सब दोनों मिल करके उन्होंने एक रूप हो गए, कौन बन गए, श्री महाप्रभु बन गए। और जब महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों मिल करके महाप्रभु बन गए हैं, कद इतने में राधा रानी ने देखा, ओ कृष्ण ये स्थान को बड़े पसंद करते हैं। इसलिए राधा रानी ने हृदय से किया कि ये जो नवद्वीप धाम है वो नवद्वीप धाम नहीं है, बोल क्या है, बोले कृष्ण के लिए उन्होंने 9 कुंज बनाए। कुंज किसको कहते हैं, जहाँ पर बेली, चमेली, जूई, केतकी, बड़े सुंदर से जहाँ पर कुंज बना हुआ हो, कहीं फूल का कुंज, कहीं पत्ते का कुंज, कहीं हरित वर्ण का कुंज, कहीं नील रंग का कुंज, कोई लाल रंग का कुंज, सुंदर अपूर्व दिव्य उन्होंने जहाँ पर राधा कृष्ण विहार करते हैं, जहाँ पर ठंडा नहीं, जहाँ पर गर्म नहीं है, जहाँ पर चिर बसंत है, जहाँ पर है बड़ा सुंदर राधा रानी, ये 9 उन्होंने कुंज बनाए। ये जो 9 उन्होंने कुंज बनाए यही नवद्वीप धाम है। ये कहाँ से प्रकट हुई, बोले श्री राधा रानी की हृदय से ये नवद्वीप धाम प्रकट हुए। बोले श्री नवद्वीप धाम की, कहते ये नवद्वीप धाम ये प्रकट हुए और राधा कृष्ण दोनों मिल करके क्या हुआ, वो एक रूप हो गए। क्या रूप हो गए, श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। इतने में जितने सखियां थी ना राधा रानी का, ललिता, विशाखा, चंपकलता, बोले ये क्या हुआ, ये तो दोनों मिल करके एक हो गए महाप्रभु। इतने में जितना सखियां थी ना वो भी बदल गए, बदल करके सबके सब पुरुष हो गए। इसे जो ललिता सखी थी वो स्वरूप दामोदर बन गए, जो विशाखा सखी थी राय रामानंद बन गए, जो तुंग विद्या थी प्रबोधानंद बन गए, जो रूप गोस्वामी रूप मंजरी तो रूप गोस्वामी बन गए, जो लवक मंजरी श्री सनातन गोस्वामी, जितने सबके सब ना सबके सब पुरुष बन गए हैं, सबके सब पुरुष बन करके जितने महाप्रभु का भक्त थे सबके सब बड़े सुंदर कीर्तन किया हैं,
बल जय सची नंदन जय गौर हरी सची नंदन जय कहते ये एक कथा है, ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ। बोले इसकी दूसरी कथा है, कहते एक समय नारद जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु सब कहते हम कृष्ण के भक्त, सब कहते हम कृष्ण के भक्त, आपके सबसे प्यारे भक्त कौन है? श्याम सुंदर प्रभु एक कापी लेकर के आना, ठीक है ना, एक कापी और एक पेन लेकर के आना, ठीक। आप लोग लिखे पढ़े हैं, आप टीचर हो हैं, इसलिए हम चाहते हैं धीरे 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 भगवान की कथा को धीरे धीरे प्रचार करना, ठीक है ना प्रभु जी। देखो एक नवीन प्रभु आए, पूरा बड़ो तो इतना कर दिया, आप दूसरे नवीन प्रभु बन जाओ, फिर आप जहाँ जाएंगे पूरा आपको ये कर देंगे, इसलिए ठीक है ना प्रभु जी। इसलिए सबके सब अपना अंदर भावना रखो, हम महापुरुष कथा को प्रचार करेंगे। अभी हम बच्चों को सवेरे क्लास देते हैं ये भागवत कथा कैसे सीखने, अगर आपको सवेरे समय होता है, अब देख लेना अपना, अगर सवेरे सवेरे समय होता है एक कापी पेन अगर लेकर के आएंगे, आपको भी हम धीरे 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 भागवत भक्ता बना देंगे। अभी गांव गांव में जा करके हरि कथा, देखो पहले ना एम रखनी चाहिए, जब तक कोई लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं हो ना आप कोई काम नहीं कर सकते। पहले जिसका जितना ऊंचा लक्ष्य, कोई जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, वो पहले अपना लक्ष्य को स्थिर करता है, भले 10 साल के बाद में बने लेकिन पहले लक्ष्य स्थिर करता है, फिर वो लक्ष्य को पाने के लिए धीरे 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 वो कोशिश करता है, फिर जाकर एक दिन बन जाता, ठीक है ना। पहले क्या रखो, लक्ष्य रखो हैं, और वो लक्ष्य को पूरी करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, वैसे संगत में रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे संग वैसे रंग बदलता है। शराब को साथ में रहोगे शराब पीना शुरू कर दोगे, चोर को साथ में रहोगे चोर, भक्तों के साथ में भक्त बन जाओगे, इसलिए फिर संगत की जरूरत है, ठीक है ना प्रभु जी। थोड़ी सी कोशिश करो, मुझे लगता है आप तो सब जानते हो, लेकिन धीरे धीरे हम चाहते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है ना। हाँ, एक नोटबुक लेकर के आना, महाप्रभु कथा को भी नोट करना और भागवत कथा को भी नोट करना, आप तो अभी टीचर बन ही गए, इसलिए थोड़ी सी तैयारी करो, ठीक है। हाँ, कहते ये इसका जो दूसरी कथा है, हैं जो दूसरी कथा, बच्चे लोग भी तुम लोग कोशिश करना जितना सीख सकते हो, इसलिए जो इसकी जो दूसरी कथा ये सब, हाँ इसलिए तुम भी लेकर गाना, ठीक है ना। ये नहीं कर डरना नहीं, गुरु जी पूछेंगे फिर बोलने में कल गायब हो जाएंगे, आएंगे नहीं, पूछेंगे किसको नहीं। हाँ इस वही तो बता रहा ना ब्रो, जो टीचर है ना, आप लोग टीचर हो, इसलिए हमारे अभी हम जगन्नाथपुरी में थे ना, वहाँ पर एक बच्चा वो भी टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, कंप्यूटर सिखाता है, पढ़ाता है। अभी हमारे बंसीवदन प्रभु वहाँ पर बधाई ने मार गीता की क्लास दे रहे थे,
उसका नाम बलराम मैंने नाम रखा। वो टीचर ना बोल बच्चों को पढ़ाता है, अरे क्या बोलता है जमादार। गीता को बंशीवदन प्रभु गीता देते हैं, दूसरे दिन प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, दिन में दो दो तीन तीन बच्चों को बुलवाते हैं। वो बोलता है क्या धमा धड़का, एक टहलका मचा देता है वो बच्चा, इतने सुंदर वो बोलता है। क्योंकि टीचर बच्चों को पढ़ाता है ना, इसलिए हम चाहते हैं जो इस्कॉन में है ना प्रभु जी, वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे आए ना यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जैसे 10 क्लास 5 क्लास बच्चों को अलग क्लास देते हैं, हैं उनको, जो 10 क्लास बच्चों को अलग क्लास देते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको अलग क्लास देते हैं, और ऐसे करते 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 सारे बच्चों को जोड़ते हैं। कहाँ पर? इस्कॉन में अलग अलग जगह पर, जो बम्बे में एक राधानाथ महाराज है, जब वो परिक्रमा लेकर के आते हैं कहाँ पर, वृंदावन में, कितना बस होता है आपको पता है? 100, 200, 150 बस बस होता है, इतने बस लेकर के आते हैं, और ऐसे बच्चों को भी लेकर के आते हैं। और केवल वो 10 दिन की प्रोग्राम रखते हैं, 10 दिन प्रोग्राम करके पूरा ब्रजमंडल को 8-9 दिन में परिक्रमा करके फिर वापस चले जाते हैं, इतने बच्चों को वो लेकर के आते हैं। इसलिए यहाँ पर भी तुम लोग कोशिश करना, अगर वो लोग कैसे जो सेमिनार जो दे रहे थे ना, कभी कभी ये हमारे जनार्दन सेमिनार दे रहा था, हम लोग उनसे ही वो सेमिनार लाए, डज गड एग्जिस्ट हुआ माई सर्च फॉर हैप्पीनेस उन लोगों ने, इसलिए होगा था। आप लोगों को कभी हम भेजेंगे, आप वहाँ पर देख करके आइएगा, ये छोटे छोटे बच्चों को कैसे भक्ति की बात कैसे उनको देते हैं। यूट्यूब में शायद खोलने पर मिल भी जाएगी, हम भी यहाँ पर ऐसे करेंगे, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, कॉलेज बच्चों को अलग अलग वो क्लास देते हैं, हैं उनका हरिनाम जपा करना, उनको उनके हिसाब से उनको सिखाना। हम चाहते हैं यहाँ भी कर सकते हो, तुम लोग सब टीचर यहाँ पर हो, ठीक है ना, कर सकते हो। और क्या, हाँ हम भी चाहेंगे बड़ों में जितने छोटे छोटे तुम लोगों से लड़कियों को देखना, ये लड़कों को देखेंगे, हाँ तुम लोग लड़की देखना, ये लड़कों को देखेंगे। इसलिए धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे, ये अगर इसको सिस्टमेटिक हाल रूप में, ये तो सही सही रूप में करेंगे तो एक दिन पूरा बड़ों तो कवर हो जाएगा पूरा। जब देखेंगे नहीं बच्चे लोग गलत काम पर नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सही करते हैं, भक्ति करते हैं, सब चाहेंगे भैया हमारा बच्चे को भी लो, हमारे बच्चे भी आए, हमारे बच्चे भी अच्छे बने गलत रास्ता में। हमारे कौन नहीं चाहता है बच्चे अच्छे बने, सब चाहते हैं बच्चे सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, गलत संगत, कौन नहीं चाहता बताओ, बताओ कौन नहीं चाहते, सब चाहते हो ना। इसलिए अगर हम भी यहाँ सिस्टमेटिकल रूप में करेंगे, पूरा बड़ों तो जुड़ जाएगा भक्ति में, पूरा बड़ों तो जुड़ जाएगा अगर सिस्टमेटिकल रूप में करेंगे तो, ठीक है। एक दिन होगा तो हम लोग बैठ कर इसी विषय पर अच्छे तरह से बात करेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए इसकी दूसरी कथा है, ये वृंदावन धाम कैसे प्रकट हुआ। नारद जी भगवान से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया था, हाँ आपके सबसे बड़े भक्त कौन है। भगवान ने कहा समय होने पर मैं बता दूंगा मेरे सबसे बड़े भक्त कौन है। एक दिन कृष्ण जान बुझ करके बुखार की लीला की, अभी उन्होंने वसुदेव महाराज डॉक्टर को वैद्य को बुलाए, हैं बुला करके दबा दिया, लेकिन भगवान का बुखार सही नहीं हुआ। नारद जी बोले प्रभु आपकी बुखार, आपका नाम लेते ही हैं, कहते आपका जो नाम है, बोले सर्व रोग विनाशनम, आपका नाम से ही सर्व व्याधि विनाशन हो जाता है, सारे रोग उपशमनम सर्व व्याधि विनाशनम, आपका नाम से हो जाता है। आप कह रहे हो आपको बुखार है, प्रभु आप ही बताओ क्या दवा दिया जाए आपको जो आप सही हो जाओगे। बोले एक ही दवा है, अगर कोई भक्त मेरे को अपना चरण धूलि दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए, अभिषेक कराया जाए, तभी मेरे बुखार सही होगा। बोले नारद जी सारा दुनिया कहते हैं तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए तुम अपना थोड़ा चरण धूलि दे दो। बोले राम 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 राम, प्रभु आपको चरण धूलि देकर क्या मेरे को नर्क भेजना चाह रहे हो। बोले यहाँ पर उद्धव सात्विक और मेरे महिषी आप बड़े बड़े भक्त है, किससे भी ले आओ चरण धूलि, किससे भी मांग करके ले आओ। और उन्होंने जिन जिनियों के पास में गए ना सबके सब गाली निकाले, बोले भगवान को चरण धूलि देंगे, हमारे प्रभु जी को क्या नरक ले जाना चाहते हो, कोई भी देने के लिए तैयारी नहीं है, वापस आ गए। बोले नारद जी चरण धूलि मिला कि नहीं। बोले प्रभु आप ऐसे की चीज़ मंगवाए, जहाँ जहाँ गए वहाँ पर हमें गाली पड़ी है,
बोले सब जगह में गया था? बोले हाँ। बोले वृंदावन गया था? बोले प्रभु केवल मैं वृंदावन नहीं गया, क्यों? मैंने देखा वो ग्वाला लोग, ग्वाल उनको क्या भक्ति पता है, वो कंडा बीनती है, दधि मंथन करती हैं, गोबर निकालती हैं, हैं इनको क्या भक्ति भक्ति पता है। बोले नारद जी अगर मेरे असली भक्त ना वहीं पर है, एक बार जा करके देखो। नारद जी गए, जाते ही सारे जब ब्रजवासियों को पता चला कि नारद द्वारका से आए, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आ रहे? बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कैसे, सखा कैसे हैं, हमारे प्रियतम कैसे हैं? बोले उनका तो सर दर्द बुखार। बोले दवा फवा दिए कि नहीं? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले कौन सा दवा? बोले ठाकुर जी बोले अगर कोई मेरे प्यारे भक्त हो अपना चरण धूलि दे दे, उससे मेरे को स्नान अभिषेक कराया जाए, मेरा बीमारी सही होगा। बोले कोई बोरी भरी लाया कि नहीं? बोले बोरी तो कुछ लाए नहीं। तब उन लोगों ने अपना चरण को रगड़े रगड़े करके, हैं, अपना चरण को उन्हें रगड़े रगड़े करके धूल निकाली और उन्होंने पोटली बांध करके नारद के सर पर रख दिया। बोले जाओ कृष्ण को स्नान करा देना। नारद तो देख देख कर हैरान हो रहे थे। बोले तुमको कोई डर भय नहीं? तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान है क्या? उनको चरण धूल देकर नरक जाना चाहते हो? देखो उनका क्या बोली है। बोले एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों जन्म के लिए हमें नरक जाना पड़े, हम कंट्रैक्ट करके नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन हम कृष्ण का कान्हा का दुख नहीं देख सकते हैं। ले जा, भले ही हम नरक जाएंगे, उनको स्नान करा देना। नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो यहीं पर पड़े हैं, असली भक्त तो यहीं पर पड़े। फिर उन्होंने धूल को लेकर के द्वारका में गए। द्वारका गए हो? कहीं नहीं गए? तो अब सबको एक बार सब घुमा लेंगे, सब कभी नहीं, एक बार आपको सब घुमा लेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, 25 सौ झूठ बोल करके जो खर्चा के लिए घर का पैसा देते हैं ना, थोड़ी से बच्चा बचा कर थोड़ा रखा करो, ठीक है? बच्चा करके रखो और एक बार सब सब धाम में एक बार घूम जानी चाहिए। ठाकुर इतने देखो नहीं, एक लाख राहुल के लिए लगेगा, तुम के लिए कम लगेगा। इसलिए देखो भगवान ने जो देखो जो ये जितने धाम है ना केवल भारत में, और भारत के बाहर कहीं नहीं है, ये केवल भारत में। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं ऐसे स्थान पर जन्म हुए जहाँ पर ठाकुर जी की अलग 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 ठाकुर जी लीला की, एक बार जीवन में दर्शन करने चाहिए धाम को। इसलिए उन्होंने कुछ तो धूल उन्होंने द्वारका में भगवान को स्नान कराया जहाँ पर गोपी तालाब बन गया, लेकिन उन्होंने कुछ धूल को उन्होंने ले करके जो नवद्वीप धाम है ना, उन्होंने कुछ धूल को वहीं पर लेकर के फेंका, हाँ वहीं पर उन्होंने फेंका। इसलिए जो जहाँ फेंका है वही श्री नवद्वीप धाम बन गया है। ये गोपियों की, ब्रजवासियों का ये चरण धूलि श्री नवद्वीप धाम। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए शंकर जी पार्वती को उन्होंने ये सारी कथा उन्होंने पार्वती को सुनाया। फिर यहाँ पर और 5 मिनट कथा सुन लेते हैं, ठीक है? कहते यहाँ पर नवद्वीप धाम प्रकट हो गया। फिर महाप्रभु जगत में फिर क्यों आए, किस लिए आए? कहते थोड़ी थोड़ी याद रखना, ठीक है? विशेष करके उन्होंने चार ही कारण, बहुत सारे कारण इसके अंदर में हैं, लेकिन उसका अगर सारांश लिया जाए तो उसमें विशेष करके चार ही कारण आता है। कितना कारण आता है? चार। कहते उसमें दो आता है साधारण कारण है और दो आता है उसमें मुख्य कारण है। जो दो जो साधारण कारण है याद रखना, ठीक है? आज जो सुन करके जाना आप दोनों घर में जा करके कापी में थोड़ी लिख देना, ठीक है? थोड़ी सी जो याद रहेगा यहाँ जाते ही कलम कागज लेकर के थोड़ी थोड़ी लिखना, शुभम श्याम सुंदर प्रभु, ठीक है? लिखना। और जो लिख सकते हो तुम बच्चों ने सब लिख लेना तुम बच्चों ने। इसलिए कहते कितना कारण लेकर के आए? और कोशिश करना जैसे कल आओगे ना, थोड़ी थोड़ी बोलने के लिए कोशिश करना, डरना नहीं, नहीं गुरु जी पूछेंगे इसलिए आएंगे नहीं, नहीं बल्कि साथ में 10-10 लोगों को लेकर के आना, क्योंकि जब किसी चीज को बोलने के लिए जब फिर सुनते हैं ना, फिर गहरा रूप में सुनोगे, नहीं तो साधारण रूप में सुन करके फिर निकाल दोगे। फिर जब गहरा रूप में सुनोगे, नहीं बोलने के लिए हम सुन रहे, फिर अच्छे तरह से सुनोगे। इसमें कितना कारण है महाप्रभुवान का? चार कारण है। उसमें जो दो है साधारण कारण और जो दो है विशेष कारण है। उसमें कहते जो साधारण कारण में उसमें एक
साधारण कारण और उसमें एक मुख्य कारण। इसलिए आज हम जो सुनेंगे महाप्रभु आने का जो साधारण कारण था, कहते महाप्रभु आने का जो साधारण कारण था, कारण क्या है, कहते ये कहते कलियुगे नाम कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन। ये चैतन्य भागवत में कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। बोले श्री सचिनंदन महाप्रभु जगत में क्यों आए, बोले कलियुग का जो युग धर्म है कलियुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलियुग में भगवान बोले ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन करो, इसीलिए जगत में महाप्रभु जगत में आए। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु बोले मैं तुम सबको हरिनाम दे रहा हूं, ये नाम को लेकर के क्या करो निर्बंध, निर्बंध मतलब नियमित करके ये हरिनाम को तुम लोग जप करो। अगर ये हरिनाम को जप करोगे फिर क्या होगा, यह है ते सर्व सिद्धि है विश्वास, ये हरिनाम से ही तुमको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले सर्व सिद्धि क्या है, बोले भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम। ये हरिनाम से ही तुम्हें भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ये पंचम पुरुषार्थ ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आए हैं, इसलिए ये हरिनाम को क्या बोले, हरिनाम को बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने। इसका मतलब है ये जो हरिनाम क्या है, नाम चिंतामणि। नाम क्या है, चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता करोगे हरिनाम से तुम्हें वही मिलेगा, इसलिए इसका नाम चिंतामणि। आप बोलोगे अभी तो हमको मिल नहीं रहा है, बोले इसलिए नहीं मिल रहा है, हम जैसे नाम जप करनी चाहिए जैसे दस अपराध शून्य होकर के दस अपराध छोड़ करके हरिनाम करनी चाहिए हैं, इसलिए जब हम शुद्ध नाम सही सही करेंगे अब जो मांगोगे हरिनाम से आपको वही चीज की प्राप्ति होगी। और सहज में देखना हरिनाम में रुचि नहीं होता है, दूसरे चीज बोलो झट रुचि हो जाएगी, लेकिन जो हरिनाम इतना जो सुलभ है ये नाम में जीव की सहज रुचि नहीं होती है। इसलिए नाम चिंतामणि, ये नाम कृष्ण नाम चेतनता, नाम में सारी रस है, हैं पूर्ण शुद्ध, ये पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। नाम और भगवान के नाम ही में कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन कुछ फर्क है। बोले क्या है, क्या फर्क है, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भगवान तो आए, ठाकुर जी आए, कृष्ण आए, राम आए, लेकिन उन्होंने किसको उद्धार किया, ज्यादा लोगों को उद्धार नहीं किया है, कृष्ण को साथ में जो लोग आए थे ना, कृष्ण का भक्त लोग ही आए थे, सुदामा उनकी उद्धार उनकी गोपियां वो तो इनके निज लोग थे। जैसे भगवान राम आए, हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, विभीषण आए, उनको तो भक्त लोग थे, इसलिए भगवान इनको उद्धार नहीं किया, उनको भक्तों को साथ में आए और उनको द्वारा लीला की चले गए। लेकिन उनने जो अपना नाम को जो छोड़ करके गए, जैसे हम जैसे पापी व्यक्ति हैं, पापी अधम व्यक्ति जब भगवान का नाम को आश्रय करते हैं, हम क्या होता है, संसार से हम पार हो रहे। इसलिए दुनिया को उद्धार करने वाले कौन है, ठाकुर जी की नाम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम बताया, इसलिए नाम से नामी की ज्यादा महत्व है, हैं ज्यादा महत्व। कृष्ण अगर कोई पाप कोई किया ना उस समय में भगवान मार डाले, उतना अघासुर बकासुर को उन्होंने मार डाले, मार दी नहीं। भगवान राम ने रावण समेत लंका खत्म कर दिए, लेकिन अभी रावण से भी अभी बड़े बड़े पापी लोग हैं, कंस से भी अधिक बड़े बड़े पापी, लेकिन जो उनका नाम लेते हैं शरापी खरापी गंजड़ी भंगेड़ी चोर, जो ठाकुर का नाम लेते हैं ठाकुर को उद्धार कर देते हैं। इसलिए वो जितने ठाकुर जितने कल्याण किए उनका जो नाम है, ज्यादा कल्याण किसने किया, उनको नाम में जगत का कल्याण किया। हाँ इसलिए जो नाम है कहते यहाँ पर ये नाम हमें कैसे करनी चाहिए, कहते अपने आप नाम नहीं करनी चाहिए, नियम है नाम सदगुरु से ग्रहण करके, सदगुरु से गुरु परंपरा सदगुरु से नाम को ग्रहण करते हुए
नाम करनी चाहिए। और जो नाम है, तीन तरह के नाम जप करते हैं। कितने तरह के हैं? कैसे कैसे? बोले एक तो मन मन में, एक है मन मानस के रूप में, दूसरा है उपास। उपास मतलब होता है इतना जोर से नाम करो जो कि अपना कान तक तो सुनाई पड़े। और एक तरह का नाम है उच्च स्वर से, एक मन मन से, और दूसरे जो उतना जोर से करो जो कम से कम अपना कान तक नाम सुनाई पड़े। और जो तीसरा नंबर जो नाम उच्च स्वर से नाम करनी चाहिए। लेकिन ये तीनों का नाम में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें लाभ है? बोले जो उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जब जोर जोर से हरि नाम करते थे, जब उनको मुसलमान ने पूछा क्यों चिल्ला चिल्ला कर कर रहे हो, हमने सुना मन मन में करनी चाहिए, क्यों चिल्ला चिल्ला कर कर रहे हो, तो उन्होंने श्लोक को उद्धृत करते हुए बोले जपतो हरिनामान स्थानी सत्तो गुणाधिक आत्मानां च पुण्य तुचैर। कहते जो मन मन में हरिनाम करते हैं, जो उच्च स्वर में हरिनाम करते हैं, उससे 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा। कितना गुण? 100 गुण उसको ज्यादा फल मिलता है। इसलिए हमें जितना दूर हो सके, जैसे घर में नाम कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उच्च स्वर से करने से क्या होगा, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता हैं, ये प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको कान में जब नाम पड़ेगा उनका भी उद्धार होगा, उनका भी कल्याण होगा। बोले 100 गुण ज्यादा। इसलिए कलयुग में अभी प्रश्न होता है, कलयुग में जो नाम ग्रहण करनी चाहिए कौन सा नाम लेनी चाहिए, अभी इसी विषय पर भी बड़े तर्क वितर्क है। अलग अलग लोग किसने तो नए नए नाम को प्रकट कर दिया, नए नए अपना मनमर्जी नाम प्रकट कर दिया। अभी प्रश्न है कलयुग में कौन सा नाम को हमें ग्रहण करनी चाहिए हैं। कलयुग में हमें ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र, ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए। आप बोलोगे आपको कहाँ से मिला, हमारे मन में जैसा आएगा हम वैसे करेंगे, इसलिए आपको कहाँ से मिला? आप ये हरे कृष्ण गौड़ी मठ वाले सब समय हरे कृष्ण बोलते हैं, आपको ये मिला कहाँ से, आप हरे कृष्ण नाम करते हो। इसलिए कल इस विषय पर हम कल ये बात को सुनेंगे, ठीक है। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारी कौन सा पुराण में कहाँ कहाँ पर ये बात बताई गई, कलयुग में यही हरे कृष्ण महामंत्र जप करनी चाहिए। इसलिए अब लोग गौड़ी मठ के हो ना, गौड़ी मठ के, इसलिए गौड़ी मठ के चल रहे हो, इसलिए पक्के बनना है, हैं। इसलिए कहाँ कहाँ पर कोई अगर बोलेगा, आप किसको बोलोगे हरे कृष्ण, बोले नहीं ये नाम करेंगे, फिर आप उसको उत्तर क्या दोगे? बोले हाँ ये तो ठीक बोल रहा है। अगर आपको उत्तर पता होगा ना, फिर आप बोलोगे नहीं अमुक शास्त्र में शंकर जी पार्वती भी ये बात कह रहे हैं, अमुक शास्त्र ने बताया, अमुक शास्त्र ने बताया, फिर तो क्या होगा? देखो देखो तीन तरह के भक्त है, कितने तरह के हैं? कहते एक है सबसे उत्तम भक्त है, और एक है मध्यम भक्त है, और एक है कनिष्ठ। देखो इसका लक्षण सुन लो, आप लोग उत्तम भक्त बनना चाहते हो ना, कनिष्ठ ना मध्यम, बोलो उत्तम। हम उत्तम भक्त, हम गौड़ी मठ के भक्त सब उत्तम भक्त, कनिष्ठ नहीं मध्यम नहीं, सब उत्तम भक्त बनना चाहते हो। देखो यहाँ पर कहते उत्तम भक्त कौन है, कनिष्ठ भक्त कौन, मध्यम भक्त कौन? बोले कनिष्ठ भक्त वो है साधारण भक्त जिसका भक्ति बड़ा डामाडोल सा भक्ति है, कभी इच्छा हुआ तो हरि नाम कर लिया, कभी इच्छा हुआ तो माला में हाथ नहीं लगाया हैं, कभी हाथ नहीं लगाया। कहते जो डामाडोल जिसका भक्ति वो कहते कौन सा है, कनिष्ठ। कहते मध्यम भक्त कौन है, कहते अपना जो साधन भजन को जो प्रॉपर रूप में सही सही ठीक मंगलारती में उठना है, तिलक करना है, ठाकुर का नाम जपना है, तुलसी परिक्रमा करनी है, हैं, ठाकुर को भोग लगा कर खाना, भागवत सुननी है, हैं, अपना जो साधन भजन को जो पक्के एकदम बढ़िया परफेक्ट रूप में जो अपना साधन भजन वो करते, ये कौन है? ये मध्यम। लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते, लेकिन अपना भक्ति को ठीक ठीक से ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति नाम जो, ये मध्यम भक्त है। बोले उत्तम भक्त कौन है, कहते उत्तम भक्त हुए हैं जो अपना साधन भजन भी ठीक ठाक से कर लेते बढ़िया से, लेकिन दूसरों को भी भगवान की बार में समझा करके दूसरों को भी भक्ति में लगा देते हैं।
खुद का भक्ति तो करते ही हैं, लेकिन अगर दूसरे भक्ति कोई प्रश्न करे उनका प्रश्न का सही सही जवाब दे करके दूसरों को भी भगवान की भक्ति में सिद्धांत तत्वों को द्वारा कथा सुना करके दूसरों को अंदर में भी जो भक्ति की भावना डाल दे, वो कौन हो गए? आप बताओ आपको कौन सा भक्त बनना चाहते? हाँ उत्तम है, हमें उत्तम भक्त बननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको कल सुनेंगे, इसको हम कल सुनेंगे। क्या सुनेंगे कल? हाँ नहीं उत्तम भक्त नहीं, कल ये जो हरिनाम हमें कर रहे हो, हम लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है जे ये कलयुग में हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करनी चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? ये बात को हम कल सुनेंगे, ठीक है ना। रोज रोज थोड़ी थोड़ी सुना करो, ठीक है। और कल एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर के आना साथ में, ठीक है। अकेले नहीं, ऐसे नहीं बोले महाराज फिर पूछेंगे आएंगे नहीं तो पूछो किसी को, नहीं ऐसे नहीं करना। बोल भी नहीं पाओगे, आ जाना, लेकिन कम से कम सुनोगे ना। सब भक्त लोग इसे बच्चे लोग को सुनाएंगे, इसलिए कब कब सुनोगे तो अपना हृदय में भावना पक्की होगी, ठीक है। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। और कल ये बच्चे लोग भी महाप्रभु के बारे में कुछ कुछ, ये भक्त लोग भी हमारे बच्चे लोग सबके सब कल सुनाएंगे, ठीक है। हाँ एक भजन बढ़िया, हाँ लगाओ, हाँ हाँ कल कोई को, जो जो याद रहा अधम भक्ति बताया था एक बार आपने। हाँ अपने बाने में अमृत को, अपने बाने में अमृत को, I'm gonna make it.
नारायण गोस्वामी, बामन गोस्वामी, त्रिविक्रम गोस्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की।